स्टार अजय देवगन, ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी टस से मस नहीं कर पाए पवन सिंह की नंबर वन की प्लेस को। जी हाँ, म्यूजिक डिपार्टमेंट में अभी भी पवन सिंह नंबर वन पर ट्रेंड कर रहे हैं लाल घाघरा के साथ। और तो और, आपको हम यहाँ ये बता देते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का गाना मन के रिलीज होता है, जिसमें आप देख सकते हैं नूरा फतेही, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी गाना नंबर टू पे ट्रेंड कर रहा है, यानी पवन सिंह के गाने से एक पायदान नीचे। वहीं पर ऋतिक रोशन, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाते हैं और जिनके गानों और डांस की दुनिया मुरीद है, वर्ल्ड में टॉप 10 हैंडसम में आते हैं। इनके गाने अल कोहलिया को भी पवन सिंह के गाने लाल घाघरा ने पछाड़ दिया है। अल कोहलिया 4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जो कि विक्रम वेदा फिल्म का गाना है और इसमें आप गजब की डांसिंग स्किल देख सकते हैं ऋतिक रोशन की। लेकिन भाई, ट्रेंड नंबर वन की पोजीशन पे पवन सिंह कर रहे हैं और पवन सिंह ने ये दिखा दिया है कि वो भोजपुरी के बेताज बादशाह हैं। जब उनका मूड होता है तो भाई उनके बाद ही सभी ट्रेंड करते हैं। और आज पवन सिंह का गाना भी नंबर वन की ट्रेंड में बरकरार है। तो क्या कहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।